अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत। आम मतलब हाँ और न मतलब नहीं, तो शुद्ध कथनों के सामने हमें आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। क है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग हैं, तो आम हाँ का आम हो जाएगा। ख है, धवने हरित वर्ण है, शांते है प्रतीक अस्ति। ध्वज में स्थित हरा रंग शांति का प्रतीक है, तो न नहीं। अगला है, ध्वजे केसर वर्ण है शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में स्थित केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो आम हाँ। अगला है, चक्रे त्रिशत अरहा संति। चक्र में 30 तिलियां हैं, तो न नहीं, 24 तिलियां हैं। चक्रम प्रगते घोतकम, चक्रम प्रगते घोतकम, चक्र प्रगति का घोतक है या सूचक है, तो आम हाँ। अगला है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो नीचे लिखे गए पद हैं उनमें प्रयुक्त हमें विभक्ति वचन लिखने हैं। तो पहला है त्रियाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समर्थई, इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचनम। वर्णानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। नागरिकई, तृतीय विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतायाः, षष्ठी एकवचनम। प्राणानाम, षष्ठी बहुवचनम। सभायाम, सप्तमी एकवचनम। अगला प्रश्न हमारा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं, तो हमारे ध्वज में तीन रंग हैं। अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में तीन रंग हैं। अगला है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक केसर वर्ण है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक केसरिया रंग है। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका घोतक है, किसका प्रतीक है। अशोक चक्रम प्रगते न्यायश्च च घोतकम अस्ति। अशोक चक्र प्रगति का और न्याय का घोतक है। अगला है, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्रगौरव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दें। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सात्विकता सूचिकाया का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है। अशोक चक्रे कति अरहा सन्ति। अशोक चक्र में कितने अरा मतलब तिल्लियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विशंति अरहा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। नीचे दिए गए रेखांकित पदों पर प्रश्न निर्माण करें।
कौ है अस्माकं तिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा राष्ट्रीय झंडा विश्व विजयी हो। तो यहाँ पे तिवर्ण ध्वज की जगह हमें पर्सन निर्माण करना है, तो कौन विश्व विजयी हो, तो कौन के लिए यहाँ पे आएगी कह। तो क्वेश्चन बन जाएगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। अगला है सर्वधर्म मात प्रमादम वयम च कुर्याम। अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो परमादम की जगह क्या, तो किम आ जाएगा। किम, क्या नहीं करना चाहिए। अगला है एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। तो प्रश्न बन जाएगा हमारा कि यह सब हमारे नेताओं की किसका सत्फल है। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतृणां कई सत्फलम्। अगला है शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किसके सामने विजय सुनिश्चित हो, तो हो जाएगा केषां। तो केषां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। अगला है उदाहरण अनुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार समस्त पदों के रिक्त स्थान पूरे करें। तो पहला हमारा दिया हुआ है पट्टिका, तो षष्ठी विभक्ति, तो पट्टिकाया पट्टिकयो हो पट्टिका नाम। अगला है हमारा अग्निशिखा, सप्तमी विभक्ति, अग्निशिखायाम अग्निशिखियो अग्निशिखासु। नेक्स्ट है ऊर्जा, चतुर्थी विभक्ति, ऊर्जायै ऊर्जाभ्याम ऊर्जाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति है, अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। अगला है सफलता, पंचमी विभक्ति, सफलतया सफलताभ्याम सफलताभ्य। अगला हमारा समुचित मेलनम कृत्वा लिखित। समुचित मेल करके हमें लिखना है। तो ये कह पाठ दिया हुआ है, एक कह पाठ हमें मेल करना है कि इसके सामने क्या आएगा। तो ये हमारे आंसर हैं। सबसे पहले है केसर वर्ण है, तो इसका हो जाएगा सौरेश्य सूचक है, सौर्य का सूचक है। उसके बाद है अशोक चक्रम, सत्यस्य धर्मस्य अहिंसाश्च घोतकम्। सत्य धर्म और अहिंसा का घोतक है। श्वेत वर्ण है सफेद रंग, शांति सूचक है, शांति का सूचक है। श्वेत पट्टिकाया सात्विकताया निर्मलताया च सूचिका, सात्विकता का निर्मलता का सूचक है। हरित वर्ण है समर्थे सूचक है, समृद्धि का सूचक है। केसर पट्टिका ऊर्जाशीलताया उत्साहस्य च सूचिका। नेक्स्ट है हरित पट्टिका, हरी पट्टी समर्दे गते च संकेतिका। तो ये हमारा मिलान हो गया। तो ये थे हमारे इसके प्रश्न उत्तर। ऐसा है आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई इसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।